पुरानी पेंशन का मामला जो है इन्हीं लोगों का, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको खत्म किया था और इनको पुरानी पेंशन को देना चाहिए कर्मचारियों को। कर्मचारी जब रिटायर होता तो वही उसका एहसास होता है और इन्होंने उसको खत्म कर दिया, धीरे धीरे नौकरी भी खत्म कर दिया। और जो हमेशा आरएसएस इस बात का पक्ष कर रहा है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, वर्तमान केंद्र सरकार प्रदेश सरकार आरक्षण को समाप्त करने जा रही है। जो अभी विश्वविद्यालय में जो निकला है, मैं हाउस में उठाया था कि पहले विश्वविद्यालय को यूनिट माना जाता था, अब इन्होंने विभाग को मान लिया। इसका मैं जबरदस्त विरोध किया था हाउस में, तो अस्थगित यूजीसी ने कर दिया था। फिर इसको सुप्रीम कोर्ट से खुद इन्हीं लोगों ने अपने से रीट करके यूजीसी ने रिपोर्ट लगा दिया, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फिर वैसा फैसला दे दिया। तो एसी एसटी और पिछड़े वर्ग की जो आरक्षण था वो ये सरकार खत्म कर रही है और ये पहले से इनका दिमाग था कि खत्म कर दें, तो अब तो इनके साथ न पिछड़ा भी नहीं रहेगा। चुनाव में आप देखिएगा, नेता बाद में, पहले लोगों को रोजी रोटी चाहिए। समाजवादी विधानमंडल दल के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत में कहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलकर देश में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण की रोस्टर प्रणाली इसकी एक शुरुआत है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लागू कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी और विपक्ष मिलकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से अखिलेश तिवारी।